हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। सखी चैनल पर आपका स्वागत है। गणेश उत्सव आने वाला है, गणेश चौथ आने वाली है, तो हमें गणेश जी की घर घर में स्थापना होगी। तो गणेश जी का रोज भोग लगाया जाता है, तो आज मैं भोग के लिए, गणेश जी के भोग के लिए बहुत ही आसान तरीके से, ना भूनना ना कोई झंझट, बहुत ही आसान तरीके से मोदक बनाना सिखा रही हूँ। तो आइए देखते हैं हमें क्या क्या। ये मैंने 100 ग्राम भुने चने लिए हैं जिनका छिलका उतरा हुआ है। ये बाजार में छिले हुए ऐसे ही आते हैं, और छिलके, अगर छिलके वाले हैं आपके पास तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन उनका छिलका बिल्कुल साफ करके इस प्रकार से आपको लेने होंगे। भुने हुए चने हैं 100 ग्राम, 100 ग्राम चने हैं, तो 100 ग्राम ही हमको बूरा लेना है। और ये मैंने काजू और बादाम जिन्हें मैंने कट कर लिया है, और ये मैंने 100 ग्राम घी लिया है, हमें अपनी जरूरत के अनुसार डालेंगे। और ये मैंने थोड़ी सी चिरौंजी ली है। तो आइए मिक्सर जार में सबसे पहले हम चनों को पीस लेंगे। आइए देखते हैं ये हमारा पिसा है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह का बिल्कुल महीन पाउडर बनकर तैयार हो गया है। ये हम चने का जो पाउडर है इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसमें मिला लेंगे हम ये अपना बूरा। और बूरे को और ये जो चने का हमने पाउडर बनाया है इसको हम बहुत अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन मोदक को बनाने के लिए आपको बिल्कुल गैस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस हम हल्के से जो ड्राई फ्रूट है उनको रोस्ट करेंगे। बस रखते हैं एक पैन, और पैन में डालेंगे हम थोड़ा सा घी। ये हमने एक पैन रख दिया है, पैन में डालते हैं हम थोड़ा सा घी, और घी में हम ये अपने काजू और जो बादाम है उनको हम रोस्ट कर लेंगे। ये जो चिरौंजी है ना, चिरौंजी को नहीं भूनेंगे, चिरौंजी को हम ऐसे ही डालेंगे। अगर आपको इलायची पाउडर अच्छा लगता है तो आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको हल्का गुलाबी रंग का भून लेंगे, ड्राई फ्रूट को आंच धीमी कर देंगे थोड़ी। फ्रेंड्स, ये हमारे ड्राई फ्रूट भून चुके हैं, गैस को बंद कर देती है, और इन ड्राई फ्रूट को हम इसमें चने के मिश्रण में मिला लेते हैं। डाल लेंगे इसमें हम चिरौंजी, और ये घी को मैंने गरम कर पिघला लिया था, और बिल्कुल गरम घी इसमें ना डालें, थोड़ा सा घी को गरम करके ठंडा कर लें, उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा घी मिलाते जाएंगे, और इस मिश्रण को हाथ की सहायता से आपस में कंबाइन करते जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमने तीनों चीजों को, घी, बूरा और जो हमने इसका चने का जो आटा तैयार किया था, तीनों चीजों को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। इसमें घी भी जितना हमारा चने होते हैं उतना ही हमारा घी लग जाता है। देखिए इस तरह की मुट्ठी बन रही है, इतना हमें घी डालना है।
100 ग्राम ही इसमें घी लगा है। अब ये मैंने मोदक बनाने का सांचा लिया है। अब ये सांचे को बंद करके मैं इसमें इस तरह से दबाते हुए भरूंगी। इस तरह से ये हमारा मोदक तैयार हो गया। आइए दूसरा भरते हैं इसी तरह से। इस तरह से हमें दबाते हुए भरना है। अब इसके लॉक को खोल देंगे। फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। फ्रेंड्स रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।